कब तक आप ऐसे बैठेंगे, कब तक आप ऐसे बैठेंगे? जब तक हमारी मुलाकात हो शीर्ष नेताओं से। देश के शीर्ष नेताओं से जो हमें आश्वासन दिया था होगा, उसकी कोई तारीख तक नहीं मिली, तो इसलिए हम मजबूर हुए अनशन दोबारा करने को। हमें या प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति महोदय या गृह मंत्री से मुलाकात का समय दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दिया गया। 30 दिन 32 दिन पैदल चलकर बड़े बूढ़े सब आए हैं, तो यहाँ हमें अपने देश के राजधानी में अपने चुने हुए शीर्ष नेताओं से मुलाकात का समय दिया जाए। मैं किसी से भी समर्थन की मांग नहीं कर रहा हूँ। यही कहेंगे कि हम अनशन बहुत ही शांतिपूर्ण एक सर औपचारिक जगह पे करना चाहते थे। ऐसा कोई जगह हमें पिछले 2-3 दिनों से नहीं दिया गया, तो हमारे पास एक ही वो था कि लद्दाख भवन, जहां पर हमें वर्चुअली डिटेन किया गया, वहीं से करें। तो हमारे साथी जो ले से दिल्ली चल के आए हैं, महिलाएं हैं, 75 साल के वृद्ध हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, सब यहाँ पर अभी बैठेंगे अनशन पर अनिश्चित काल के लिए। हम सर देख रहे हैं कि आपको डिटेन किया गया, अब कुछ दिन बीत गए हैं, क्या अभी भी आपकी किसी टॉप ऑफिशियल से बात नहीं हुई जैसा आपको कमिट किया गया था दिल्ली आने? अनौपचारिक हुई, मगर देश के शीर्ष नेताओं से जो हमें आश्वासन दिया था होगा, उसकी कोई तारीख तक नहीं मिली, तो इसलिए हम मजबूर हुए अनशन दोबारा करने को, जो कि हमने राजघाट पर तोड़ा था उसे हम दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि एक तारीख तक नहीं दिया गया, जबकि हमने जो जंतर मंतर पर जनसभा करनी थी उसे भी स्थगित किया, इस आश्वासन पर कि हमें या प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति महोदय या गृह मंत्री से मुलाकात का समय दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दिया गया। जब हमने अनशन तोड़ा तो भूल गए, तो इसलिए हम ये दोबारा कर रहे हैं। आप कहते हैं लद्दाख के लोग देशभक्त लोग होते हैं, ANI पर आप केंद्र सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? ये प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, इंडेफिनेट प्रोटेस्ट होने वाला है। जी, अपील हमेशा से यही है कि हम अगर 30 दिन 32 दिन पैदल चलकर बड़े बूढ़े सब आए हैं, तो यहाँ हमें अपने देश के राजधानी में अपने चुने हुए शीर्ष नेताओं से मुलाकात का समय दिया जाए, जिसमें कि हम अपना व्यथा उन्हें सुनाएं, और जो टॉक्स जो वार्तालाप लद्दाख के नेताओं के साथ हो रहे हैं, चार बिंदु जो लद्दाख के हैं उस पर एपेक्स बॉडी और KDS है, वो दोबारा से शुरू हो, इतनी सी बात हमने उनको याद दिलानी है, मगर इसकी भी हमें अभी तक इजाजत नहीं। अच्छू साहब, आपको पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया फॉलो करती है, आप पर 3 Idiots जैसी मूवी बनी, क्या आपकी आमिर खान साहब से या फिर फिल्म इंडस्ट्री में किसी से बात हुई है कि आपके इस मूवमेंट को वो सपोर्ट करें? नहीं, मैं किसी से भी समर्थन की मांग नहीं कर रहा हूँ। जिनको समझ आए भारत में क्या हो रहा है, लद्दाख के साथ क्या हो रहा है, क्या हमारे हक़ हैं, जो समर्थन करना चाहें उनका स्वागत है, हम मांग के नहीं ले रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोग उनकी जमीर उन्हें फैसले देगी। सोनम साहब, कब तक आप ऐसे बैठेंगे? जब तक हमारी मुलाकात हो शीर्ष नेताओं से।